गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्या जब आप करांगे फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस। आप पहला जड़े आ दो टेंस कर चुके हैं, एक प्रेजेंट इनडेफिनेट, सेकंड आप किया सी पास्ट इनडेफिनेट, ते आज आप करांगे फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस करांगे। जब देखो फ्यूचर शब्द नो देखण सार ही पता लग जाता है कि इस टेंस दे विच आने वाले समय की गल की होनी है ना। आने वाले समय के जो आप कम करना चाहते हैं, जो उदी आप प्लैनिंग कर चुके हैं, उस प्लैनिंग दर्शाता हुआ टेंस फ्यूचर इनडेफिनेट। ठीक, ये तो आप अगे करा डीपली तो थोड़ा समझ लग जाएगी। पहचान की गल करिए वाकां के अखीर के उपर गग्गा शब्द होंगे, गग्गे शब्द की वरतों की होंगी है। जिमें असी कल चंडीगढ़ जावे, वो फुल तोड़ेगा, रेखा डांस करेगी, है ना। बच्चे अपने स्कूल का काम करे, छुट्टी 5 बजे होगी। सो ये वाले सारे सेंटेंसा के अखीर के उपर गग्गे शब्द की वरतों की गई है। सो गग्गा रैप्रजेंट फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस। ठीक है, चाहे तुसी गग्गे दे वल ध्यान ना भी देवो तां वी तुहानू टेंस पढ़ के पता लग जाना है कि इस सेंटेंस दे विच किहड़े समय दी गल कीती गई। आपां देखो पहला सेंटेंस कि रोहित चंडीगढ़ जावेगा। तुहानू मैं दस्सिया सी कि पहला आपां टेंस देखना हुंदा है कि टेंस किहड़ा है, है ना। इह तों पता लगदा है कि किहड़ा काम कीता जाणा, चंडीगढ़ जाण दा। कौन करदा? रोहित। कदों करना है? आने वाले समय के, है ना। सो ये टेंस कि हो गया अपने को फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस हो गया। जे मैं तुम्हें पहले दसिया मैं कि प्रेजेंट मीनस हा हा, है ना, पास्ट मीनस ससा, तो फ्यूचर मीनस गग्गा। गग्गा शब्द देख के आप दस देना बिगे टेंस। अनडेफिनेट की आप गल की कि इनडेफिनेट का मतलब दद्दा होंगा। फ्यूचर इनडेफिनेट के दद्दे को देखने की लोड़ नहीं, क्योंकि दद्दा तो गग्गा बहुत ही रेयर केस होंगे जिन्हें लगता है। ठीक है, वो अपना स्कूल का काम करता होगा, वो थोड़े जे टेंस अलग तरह के आ जाते हैं। दद्दा गग्गा लग सकता पर वो अलग ने, वो नहीं आप करने, आप सिंपल फ्यूचर ही करना। उदे वैसे तुसी गग्गा शब्द देखना लास्ट उपर, दद्दा भी देखने की लोड़ नहीं है। हुण टेंस आपां पता कर लिया कि टेंस हैगा अपने कोल फ्यूचर इनडेफिनेट, ते हुण आपां दूजा स्टैप अपना किहड़ा हुंदा? सेंटेंस देखण दा। पहला स्टैप टेंस देखण दा, ते सैकंड स्टैप किहड़ा आ? सेंटेंस देखण दा। सेंटेंस आपां किहड़े करदे हुंदे आ कि वह अफर्मेटिव, नैगेटिव जां फिर इंटरोगेटिव। सो किहड़ा आ? इह रोहित चंडीगढ़ जाएगा किहड़ा बनिया? इह इह बनिया तुहाडा अफर्मेटिव, हाँ वाचक सेंटेंस बनिया, है ना। सो हाँ वाचक सेंटेंस बनिया तो आपां नूं हाँ वाचक सेंटेंस का फार्मूला देखना पऊगा। सब्जेक्ट प्लस वैल जां शैल, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस दे विच वी वर्ब दी पहली फॉर्म लगी सी, इहदे विच वी वर्ब दी फस्ट फॉर्म ही लगनी है। तो ये हैल्पिंग वर्ब कितने ने? दो, एक बैल तो दूजा शैल, बच्चे का हाइफन लगा है। सो इन दोनों कोई एक लावे। हम सब्जेक्ट में कह रोहित चंडीगढ़ की है, ऑब्जेक्ट जाना वर्ब। सो आप सब्जेक्ट रोहित इतने लिख देवे सब्जेक्ट वाला काम फिनिश। सैकेंड आप हैल्पिंग वर्ब दी ब्रैकेट का बह शब्द ने होंगे, जाना क्या गया गो, फस्ट फॉर्म चंडीगढ़ इतने लिखा गया आप। ठीक, हम बैल तो शैल कितने लगना है? ये जरा ध्यान देखना, जो कहते शैल हैल्पिंग वर्ब आई ते वी फस्ट परसन के नाल पैंदा है। परसन किन्ने होंगे ने? तीन, है ना। फर्स्ट परसन, सैकंड परसन,
थर्ड पर्सन वो आप फिर क्वेश्चन करांगे। सो याद रखना कि शैल की वरतों होंगी आई ते वी नाल ते वेल कि लगता है बाकी सारे नाल, मतलब जेकर आई ते वी नहीं लगा तो आप वेल की वरतों करनी है। सो रोहित दे नाल की लगूगा वेल, रोहित विल गो टू चंडीगढ़, टू प्रेपोजिशन आ। ठीक, तुसी फुल तोड़ोगे, तुसी सब्जेक्ट, फुल ऑब्जेक्ट, तोड़ना वर्ब दी फॉर्म है ना। तुसी आ गया अपने को यू, इतने आप करते हैं डैश हटांगे, तोड़ना होता प्लक पी एल यू सी के प्लक, ते फुल की हो गया फ्लावर्स फ्लावर। हम देखो आई तो वी तो लगा नहीं, इसे करके की लगूगा बच्चे ने वेल ही आऊगा, यू वेल प्लक फ्लावर। महेश गीत गावेगा, महेश सब्जेक्ट, गीत ऑब्जेक्ट, ते गाना वर्ब दी फॉर्म महेश, गाना होगा सिंग फर्स्ट फॉर्म, सॉन्ग गीत आ गया। सो महेश ना की लगूगा बेल, क्योंकि ना तो है आई ते ना है वी। ठीक है, अगे आप करते हैं नेटिव, देखो नेटिव का करिए के रेखा अपना स्कूल दा कम नहीं करेगी। ठीक, रेखा सब्जेक्ट, स्कूल दा कम स्कूल वर्क, ऑब्जेक्ट नहीं नॉट है ना, काम करना क्या होता अपना डू है ना, काम करना ये अपने को वर्ब आ गया। ते अपना की कहना आप अवर हों साडा, सो अपने की इंग्लिश चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू कहे सब्जेक्ट के। ठीक है, वह मैं थोड़ा लागू दसूंगा। देखो इतने आप लिखते हैं रेखा डैश नॉट डू हर स्कूल वर्क, रेखा डैश नॉट डू स्कूल वर्क, रेखा आई तो वी है नहीं, सो थर्ड पर्सन आए रेखा विल नॉट डू हर स्कूल वर्क। हर क्यों लगे इतने, क्योंकि रेखा लड़की है, जे होता इतने रोहित इतने रखना सी हिज डू की है वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म। एक होर गल में आपां कि तुसी पौधियां नू पानी नहीं देवोगे, तुसी पौधियां नू पानी नहीं देवोगे, की आ गया सब्जेक्ट पौधे, की आ गया प्राण सब्जेक्ट, ते पानी देना वर्ब, नहीं किया गया नॉट। यू विल नॉट वॉटर द प्लांट्स, कि तुसी पौधों को पानी नहीं देवोगे। ठीक है, अगे आप लास्ट ते करांगे इहदे इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव करिए जिवें की असी खाना बनावांगे, कि असी खाना बनावांगे, असी सब्जेक्ट है ना, खाना बनाना की है अपने को
बराबर। कलाखाना ऑब्जेक्ट हम की लगाया तो दस्या करके जेडे सेंटेंस की शुरुआत की तो होवे उस सेंटेंस की इंग्लिश बनाने लगे आपां पहला ब्लैंक छड़ दिंदे हुंदे आ उहदे विच हेल्पिंग वर्ब बाद च पावांगे। सब्जेक्ट देखो आ सी अपने को इंटरोगेटिव इहदे विच सब्जेक्ट वेलशर लगाया इहदे विच वेलशर पहला लगाया हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट तों पहला लग दिंदे हुंदे आपां इंटरोगेटिव बनाउण दे लई ताकि उहदे मगर आपां इंटरोगेटिव साइन पा सकीए। ठीक है डैश अप छड़ के की मोक बाद हल कर लांगे। असी की आ गया वही कुक फूड बना सकते हैं इतने या फिर मील भोजन लिख सकते हैं कुछ भी लिख सकते हैं तो मगर इंटरोगेटिव का साइन। और सोचो भी इतने वेल ते शेल दे विचों की लगना इतने लगेगा अपने कोल शेल क्योंकि आई ते हुई नाल शेल लगता है एस एल ही वड्डी गल नहीं आपां शेल वी कुक फूड और मील। लास्ट देखो की रेखा गा चोवेगी की रेखा गा चोवेगी। देखो हम रेखा दसोगी भी गां चोनी है करी उन्हें की आपा ब्लैंक छड़ दी रेखा दा रेखा लिख देंगे गां चोना मिल्क होंदा दुध नूं भी मिल्क कहिंदे आ ते दुध चोण नूं भी मिल्क ही आख्या जांदा। ठीक रेखा मिल्क गां भी कहिंदे आ काओ डैश रेखा मिल्क काओ विल रेखा मिल्क काओ की रेखा गां चोवेगी। सो ये तुहाडा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। मैं तुहानूं पिक भी सेंड करना है इधर बस है जिहड़े फार्मूले लिखे हुए ने तुसीं वो अपने कापी के उपर नोट कर लेने। थैंक यू।